के पहलू की जांच करें एक मिनट। लेकिन वो विधेयक पास करने से आप भाग रहे हैं और हम भागने नहीं। क्योंकि आप जो कह रहे हैं आदर से कानून से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि इसका काम रुक जाए, एक महीने में इसके कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही काम कार्रवाई की। आचार संहिता के बाद नहीं, आचार संहिता लागू होने के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कोई इस तरह का कल्याणकारी कानून नहीं पास कराया जा सकता है। आचार संहिता लागू करने के बाद तो वेतन आयोग पर तक सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस ने नया वेतन आयोग अभी क्यों लाया। आचार संहिता से पहले अगर कांग्रेस नया वेतन आयोग ला सकती है परमानेंट वर्कर के लिए आचार संहिता से पहले, तो केजरीवाल सरकार अगर दिल्ली राज्य के पैमाने पर ठेका उन्मूलन विधेयक नहीं लाती तो हम मानेंगे कि गद्दारी की जा रही है मजदूरों से। बिल्कुल मंत्री महोदय चक्रवर्ती जी से राय मशवरा कर रहे हैं। मंत्री जी आपसे खुला देखिए, यहाँ थोड़े से आगे जाके निर्माण मजदूर काम कर रहे हैं। देखिए हमारी सरकार इसी पे काम कर रही है, ये हमारा मेन मुद्दा है। उसके बावजूद भी आप मतलब जो है विधायक की बात आपके जो बोल रहे हैं कि आप कमेटी करेंगे, इसके बाद तो आपका ऊपर मॉरल कंडक्ट शुरू हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। करप्शन से इसका क्या लेने देना है? आपको करप्शन पे दो मैंने आपको रिपोर्टें दी, आपने उस पर क्या किया? 13 जनवरी से उसके बाद नहीं, जवाब हमें चाहिए ना सब कुछ। ये देखिए मंत्री जी आप कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहे, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। विधेयक पास करेंगे वरना ना हम लोग दिल्ली राज्य के पैमाने पे अगर विधेयक नहीं पास किया जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं। देखिए विधेयक के 2 दिन में पास हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनने से पहले कांग्रेस की सरकार पर और ऐसी तमाम सरकारों पर ये इल्जाम लगाया था कि 15 साल उनको वक्त नहीं मिला, एक दिन का वक्त भी 15 साल में नहीं मिला कि ये ठेका कि ये भ्रष्टाचार हटाने का काम करे। तो ये बात आप पर भी उतनी लागू होती है कि अभी आपकी सरकार बने हुए 30 दिन से ज्यादा हो गए, 30 दिन में आपको एक दिन का समय मिल जाना चाहिए था। चलिए नहीं मिला तो आचार संहिता लागू करने से पहले इस पे ठोस आश्वासन दीजिए, लिखित में दीजिए, तभी यहाँ से हटेंगे। ये देखिए एक ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, अभी ये ट्रेलर। आप ऐसे कीजिए 4-6 आदमी अपना जो भी है वो ले आइए।